ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा बच्चा, आपने पढ़ा था ना कि पोजीशन वेक्टर जो था आर सी यू एम, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चा? यार टोटल मास तो सिंपल सी बात है, ठीक है जी, एम टी लिख दिया मैंने। अच्छा अब अगर मैं एम टी को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, एम टी इंटू आर ऑफ सी ओ एम इज इक्वल टू, ठीक है, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अप टिल कहां तक, एम एन इंटू आर एन। डेरिवेटिव ले लूं इन दोनों का, मतलब दोनों साइड में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चा ये बताओ मुझे अब कि ये जो चीज है ये क्या है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये चीज v1 वेलोसिटी ऑफ एम वन, वेलोसिटी ऑफ वी टू मतलब पार्टिकल टू, और ये vn, ठीक है बच्चा, और ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चा, तो अब करना क्या है बच्चा, मेरे पास फॉर्मूला ये जो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वो क्या बन जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टिल कहां तक, एम एन वी एन डिवाइड बाय एम टी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है, अगर मान लो इसी चीज को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, एम टी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टिल कहां पे, एम एन वी एन। अब फिर से डिफरेंशिएट कर दूं मैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा बच्चा ये, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड, शाबाश, ये बन जाएगा एम वन ए वन लिख दूंगा, ए वन लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, एम टू ए टू अप टिल कहां पे, एम एन इंटू वी एन, सॉरी ए एन। बात समझ में आई, तो ये क्या है, फोर्स ऑन वन मास वन, ये क्या है, फोर्स ऑन मास टू अप टिल क्या है, फोर्स ऑन मास एन, और ये किसके बराबर आएगी, फोर्स एक्सटर्नल, फोर्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो आएगी, सारी फोर्सेस का सम जो है बच्चा वो एक्सटर्नल बन जाएगा बच्चा, मानते हो, खाना बोलो, ठीक है। ये सारी फोर्सेस जो एफ वन एफ टू एफ थ्री है, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, बात चमकी। अब इस पे एक सवाल करा दूं, इनको यूज करने का सवाल मेरे को बेस्ट सवाल लगता है वो, अगर तुम वो कर दोगे तो इनाम पाओगे आज, ठीक है जी, कर दोगे? चलो एक सवाल शो करता हूँ स्क्रीन शेयर करके मैं, आप ये स्क्रीन दिख रही है बच्चा आपको? ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूले लगे हुए हैं बच्चा, ये सब मैंने बताई दी आपको, अब इसका एक सवाल है, ये सवाल पढ़ो एक बार, सवाल एक बार, दिख रहा है क्या ये सवाल? यस
अरे दिख रहा है 14 एग्जांपल यस सर पढ़ो इसको एक बार ये मेरा फेवरेट सवाल है लगभग इस चैप्टर का पढ़ लिया है सबने यस कर तो नहीं पाओगे ना चलो करा अपना एक सवाल ठीक है जी डायग्राम दिख रहा है आपको ये इधर वाला तो इस दायरा में देखो ये मेरा ए पार्टिकल है और ये मेरा बी पार्टिकल है इसने क्या बोल रखा है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है पहले 90 मीटर दे रखा है ठीक है जी और ए को रफ्तार कितनी दी है उन्होंने 200 कितनी दी है 200 ऊपर की तरफ दी है और बी को रफ्तार दी है मेरे उन्होंने कितनी 50 दी है ना शायद yes, 50 नीचे की तरफ दिए ठीक है बच्चा अब पूछा क्या है इन्होंने कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय सेंटर ऑफ मास तो बच्चा पता करना क्या है पहले हमें लोकेट करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास है कहां पे पहले लोकेट करना है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे है तो बच्चा आपको पता है दो सिस्टम आपको दे रखे थे जैसे मानो मैंने बता रखा था ऐसे एक M1 था और एक मान लो मेरे पास M2 था इनके बीच का सेपरेशन मान लो D था तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे हम लोग M1 से मानते हो तो मान लो A से निकालना है मेरे को A का मास कितना दे रखा है उन्होंने 1 किलो 1 किलो दे रखा है और B का दे रखा है 2 किलो तो अगर मैं लिखूं इसको तो 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 90 बाय 3 आ जाएगा बच्चा M1 प्लस M2 3 आएगा तो ये 90 कट गया 30 से तो आंसर क्या आएगा 60 क्या ये बात चमक रही है yes. ठीक है जी तो अब मुझे पता लग गया सिस्टम जो है इसका कि ये मेरा था ए ये था मेरा बी और सेंटर ऑफ मास ए से कितनी दूरी पे 60 पे तो अब सेंटर अब पता खेल खत्म हो जाएगा सिंपल पता करना क्या है आपको सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मानना है क्या मानना है पार्टिकल वो इनिशियली कहां पे है 60 पे अब मुझे क्या निकालना है वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का अच्छा जी गुड शाबाश अब बच्चा ये बताओ मुझे कि अगर मैं 1 kg की बात करूं अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं अपवर्ड क्या मान लूं पॉजिटिव मान लूं डाउनवर्ड नेगेटिव मान लूं और M1 मेरा मान लेता हूं मैं 1 kg है मतलब तो 1 रफ्तार कितनी है इसकी 200 पॉजिटिव ले लो इसको यस और M2 कितना है 2 रफ्तार कितनी है 50 डिवाइड बाय टोटल मास 3 तो कितना हो गया 100/3 आ जाएगा शायद ना यस सर तो अब ये सेंटर ऑफ मास के पास इनिशियल रफ्तार कितनी है 100/3 ऊपर की तरफ मानते हैं क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया यस सर ये सेंटर ऑफ मास है मेरे पास इसकी हाइट 60 है ग्राउंड से और इसके पास मैंने रफ्तार निकाल ली कितनी है 100/3 अब क्या करना है एक्सेलरेशन निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कैसे निकालोगे
M1A1 plus M2A2 by meter square divided by M1 plus M. अब बताओ M1 का एक्सटेंशन कितना है? माइनस जी सब पे ग्रेविटी लग रही है बच्चा मानते हो? तो माइनस जी इंटू वन इज माइनस जी प्लस टू इंटू माइनस जी तो माइनस थ्री जी बन जाएगा बाय थ्री. तो ए कितना आ गया? माइनस जी. तो अब सवाल जो बन गया ना बच्चा मेरे पास, सवाल सिंपल ये बन गया. मैं इरेज करता हूं इसको. सवाल सिंपल बन गया. सेंटर ऑफ मास, वो जी सेंटर ऑफ मास का एक पार्टिकल है जो इनिशियली कहां पे था? 60 पे था. और उसके पास ऊपर रफ्तार थी कितनी? 100/3. और ग्रेविटी नीचे थी. अब एक्सेलरेशन नीचे है, रफ्तार ऊपर है, तो रफ्तार घटेगी बढ़ेगी? घटेगी ना. घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जीरो हो जाएगी. Yes. जहां जीरो होगी वहीं पे वो मैक्सिमम हाइट पे होगा बच्चा, मानते हो? Yes. तो यहां से लेके यहां तक मैं क्या लगा दूं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं? Yes. V square minus U square is equal to 2as. तो V तो जीरो ही है और U की वैल्यू कितनी है? 100/3. तो 100/3 का होल स्क्वायर 10,000. तो A की वैल्यू कितनी है? -10. S निकाल लोगे इससे? Yes. Yes sir. तो S निकल जाएगा. तो मेरा आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम हाइट पूछी थी मेरे से, तो मैक्सिमम हाइट क्या आएगी? 60 प्लस S, क्योंकि ग्राउंड से पूछी है इसने. ठीक है जी, आना बोलो. Yes. ऑलरेडी पहले सेंटर मास कहाँ था? 60 पे था ना. तो पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंच पाएगा वो, तो कितना ऊपर गया वो देख लो. और पहले कहाँ था वो? 60 पे था. तो उन दोनों का सम जो आएगा बच्चा वो क्या आएगा मेरे पास? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय सेंटर ऑफ मास. क्या ये बात चमक गई है? Yes. Yes, sir. क्लियर कर दूं ड्राइंग सारी? Yes, sir. सर एक बार फिर से समझा दो, मेरा नेट चला गया था. अच्छा गणेश इधर देख बच्चा, ये सेंटर ऑफ मास जो था, क्या कर रहा हूँ मैं, लिखना ड्रॉ करना भूल गया. ये सेंटर ऑफ मास मान लेंगे ये ग्राउंड था. क्या था ये? ग्राउंड था. और सेंटर ऑफ मास कहाँ था इससे? 60 के हाइट था बच्चा, मानते हो? लोकेशन निकाली थी हमने. आना बोलो. यस सर. अब ऊपर वेलोसिटी है और नीचे एक्सेलरेशन है, तो रफ्तार कम होगी. यस सर. तो रफ्तार कम होके ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जीरो हो जाएगी. ठीक है जी. तो yes. अब यहां yes. से लेके यहां तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है. मान लो yes. S है, तो मैं क्या कर दूं? V square minus U square equal 2S लगा दूं. V zero है, U पता है, A पता है, S निकल जाएगा. Yes, sir. तो मैक्सिमम हाइट जो सेंटर ऑफ मास ने अटेन की वो कितने की? 60 प्लस S. 60 पे ऑलरेडी था, S और ऊपर गया, तो मैक्सिमम हाइट जो अटेन की वो 60 प्लस S हो जाएगी. ठीक है. तुम्हारे केमिस्ट्री के लेक्चर अब तो आ रहे हैं? यस यस. हैप्पी? कुछ बेसिक सवाल पूछ लूं आपसे मैं? यस. चल मैं स्क्रीन शेयर करता हूं दूसरी वाली.
अगर मेरे पास मान लो दो मास ऐसे मान लो M1 है और एक M2 है, क्या ये ट्रैक करेंगे? यस अच्छा, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? यस नेट फोर्स कितना है सिस्टम? जीरो, क्योंकि ये भी एफ लगाएगा और ये भी एफ लगाएगा बच्चा, ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो मेरा जो फॉर्मूला था वो था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आना बोलो। यस यस। तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, मानते हो? यस सर। तो क्या इनकी वेलोसिटी बदलेगी? अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो तो क्या वेलोसिटी बदल सकती है क्या? हाँ जी बोलो। नो नहीं बदलेगी पापियों, अट्रैक्शन होगा तभी रेस्ट पे अट्रैक्ट होगा तो पास आएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, याद करो। हाँ ना बोलो। Yes. देखो एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि, देखो मुझे पता है कि m वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मानते हो? आना बोलो। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो इंडिविजुअल है बच्चा, याद करो मैं बताया था आपको कि अगर मान लो ये 6 किलो का है और ये 3 किलो का है, मान लो इसकी रफ्तार मान लो 6 है तो इसकी रफ्तार कितनी आएगी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पापियों, 3 आएगी, ठीक है। हाँ, तो उसी तरीके पता क्या है, तो मुझे पता है कि m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2, ये चीज जो है ना, मतलब velocity और center of mass नहीं बदलनी चाहिए, v1 चेंज हो सकता है, v2 चेंज हो सकता है, लेकिन velocity और center of mass चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? Yes. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर acceleration और center of mass जीरो हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टिकल चल नहीं रहा, इंडिविजुअल चल सकते हैं लेकिन चलेंगे हिसाब से कि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार चेंज ना हो, ठीक है? यस ठीक है बच्चा। तो अब मैं शेयर करता हूं दूसरा वाला सिस्टम। स्टेटमेंट लिखी दिख रही बच्चा आपको? पहला स्टेटमेंट पढ़ो, देखो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो क्या हर पार्टिकल एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नो सर, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है वो क्या था, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अप टिल एम एन ए एन। तो अगर ये चीज जीरो है इसका मतलब नहीं कि ये ए वन भी जीरो होगा, ए टू भी जीरो होगा और ए एन भी जीरो, ये हो सकता है लेकिन हमेशा हो जरूरी नहीं है, इन सब का सम जीरो होना चाहिए बेसिकली। बात समझ में आ रही है? यस। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है जी। अब ये सेकंड चीज, ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये क्या कहता है बच्चा कि कनेक्टिक एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज हो सकती है। मान लो ये वाला सिस्टम था, मान लो 6 किलो 3 किलो, यहाँ पे रेस्ट पे था बच्चा, मानते हो? ये भी रेस्ट पे था कुछ टाइम के लिए, पास आ गए थे, इसके पास रफ्तार थी 6, इसके पास रफ्तार थी 3, तो इनिशियली कितनी करंट एनर्जी थी? जीरो थी, बाद में करंट एनर्जी बढ़ गई थी ना बच्चा, हालांकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल तो जीरो है लेकिन
कनेक्टिंग एनर्जी बच्चा बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, लेकिन वी वन वी टू मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है जी। इट मे ऑल्सो चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। हाँ बोलो बच्चा गरिमा। सर सेकंड पॉइंट दोबारा से समझा दो। देखो बच्चा ये सुनो, ये छह था, ये तीन था, इनिशियली रेस्ट पे थे ना बच्चा। यस। तो कनेक्ट एनर्जी क्या थी? जीरो थी। अट्रैक्शन के कारण क्या हुआ? इनमें रफ्तार आ गई, एक में छह आ गई, एक में तीन आ गई, तो कनेक्ट एनर्जी आ गई ना बच्चा, मानते हो? यस सर। तो कनेक्ट एनर्जी बढ़ गई। तो बेसिकली क्या है कि जो कनेक्ट एनर्जी बढ़ रही है वो किस कारण बढ़ रही है? इंटरनल फोर्सेस कारण बढ़ रही है। ठीक है। तो सिर्फ इसका मतलब, अगर ए जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टिकल एक्सीलरेशन जीरो है या हर पार्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगी, ऐसा भी नहीं है, और कनेक्ट एनर्जी बढ़ सकती है। ठीक है बच्चा। ओके सर। ठीक है बच्चा, ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है।